बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चालू करने जा रही है और यह ट्रेन 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई स्पेशल ट्रेन का संचालन 7 अक्टूबर से चालू किया जाएगा। यह ट्रेन बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से सरहिंद के लिए चलेगी और इसके साथ ही दूसरे दिशा में भी इस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करेगी। सरहिंद से सहरसा के लिए ट्रेन ट्रेन नंबर 04525 के साथ प्रत्येक सोमवार को 7 अक्टूबर से लेकर इसका संचालन शुरू होगा और 18 नवंबर तक यह ट्रेन चलाई जाएगी। दूसरे दिशा में यह ट्रेन सरहिंद से सहरसा और सहरसा से सरहिंद के लिए चलेगी। टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन सरहिंद रेलवे स्टेशन से 11:25 पर दिन में प्रस्थान करेगी और सहरसा रेलवे स्टेशन 5 बजे शाम में दूसरे दिन पहुंचेगी। इसके साथ ही दूसरे दिशा में ट्रेन नंबर 04526 के साथ यह ट्रेन सहरसा से 7:15 पर शाम में प्रत्येक मंगलवार को प्रस्थान करेगी और यह ट्रेन अम्बाला कैंट 10:20 पर मध्य रात्रि दूसरे दिन पहुंचेगी। ऐसे में इस ट्रेन के सुविधा के डिटेल्स की बात करें तो इस ट्रेन में कुल मिलाकर 20 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कि 18 जनरल क्लास के कोच रहेंगे। इसके साथ ही 2 SLR कोच का सुविधा दिया गया है। ऐसे में यह ट्रेन किस रूट होकर चलेगी और बिहार के किन रेलवे स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज रहेगा, आइए अब इस पर बात करते हैं। बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद यह ट्रेन सिमरी बख्तियारपुर, मानसी जंक्शन, खगड़िया जंक्शन होते हुए यह ट्रेन बेगूसराय पहुंचेगी। बेगूसराय के बाद यह ट्रेन बरौनी जंक्शन होते हुए दालसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर होते हुए यह ट्रेन चलेगी, जहां पर किसी ट्रेन का स्टॉपेज छपरा रेलवे स्टेशन पर भी रहेगा। छपरा के बाद यह ट्रेन सिवान होते हुए यूपी के गोरखपुर कैंट और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के रास्ते यह ट्रेन अम्बाला कैंट के लिए जाएगी, जहां पर कि यह ट्रेन 1340 किलोमीटर का सफर तय करके अपना गंतव्य पूरा करेगी। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।